908 लाख 48 हजार रुपए की लागत से बनने वाले कलेक्टर मुख्यालय एवं तहसील सदर में अधिवक्ता चैंबर्स के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर परिसर में किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कलेक्टर मुख्यालय एवं तहसील सदर में अधिवक्ता चैंबर्स का शिलान्यास किया। दोनों अधिवक्ता भवन निर्माण की कुल लागत 908 लाख 48 हजार रुपए है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कलेक्टर एवं सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छी सुविधा युक्त चैंबर निर्माण की शुरुआत गोरखपुर से की जा रही है और इसी प्रकार प्रदेश के सभी जनपदों के कलेक्टर एवं तहसील में अधिवक्ता चैंबर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि सामान्य नागरिकों एवं अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए सभी मंडलीय कार्यालय एकीकृत भवन में स्थापित होंगे। एकीकृत कार्यालय बनने से उत्तर प्रदेश में एक नई दिशा की शुरुआत होगी और आदर्श व्यवस्था के रूप में संचालित होगा। गोरखपुर एवं वाराणसी से इसकी शुरुआत किया गया है और निर्माण कार्यों की स्वीकृति भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नव निर्मित होने वाले मंडलायुक्त कार्यालय के साथ सभी मंडलीय कार्यालय स्थापित होंगे। वहां अधिवक्ताओं के लिए भी चैंबर की व्यवस्था की जाए जिससे वादकारी के हितों की संरक्षा होने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी ने जहाँ विश्व का जन जीवन प्रभावित किया है, वहीं देश प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ एक अभियान के तहत संघर्ष कर काफी हद तक नियंत्रित किया गया और अति शीघ्र ही प्रदेश में वैक्सीनेशन की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता समाज का प्रबुद्ध वर्ग होता है और समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाना उसकी अहम भूमिका होती है। अधिवक्ताओं के लिए अच्छे चैंबर की आवश्यकता है जिसके दृष्टिगत बहुमंजिला अधिवक्ता चैंबर का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि कार्य की इच्छा शक्ति होना चाहिए। यदि किसी कार्य की शुरुआत ईमानदारी से होगी तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रदेश सरकार निरंतर विकास की ओर अग्रसर है और संभाव से कार्य कर रही है। कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। सबका साथ सबका विकास सरकार का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी उर्फ अटल ने मुख्यमंत्री सहित उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम में नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास अग्रवाल, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह सहित अधिवक्तागण, मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, जिलाधिकारी के विजय पांडियन, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी उर्फ अटल ने कहा, हमारे सम्मानित जो यहाँ बैठे हैं वो थोड़ा सा ऐसा ना महसूस करें। बंधुगण, आज के इस शुभ दिन को लाने में हमारे जिला प्रशासन के नेतृत्व एवं पूर्व मंत्रीगण द्वारा किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जल्द बहुत कुछ ही क्षणों में मंच की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं। हम सभी खड़े होके करतल ध्वन से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अरे सर, किनारे हट जाइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो। अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी अनुमति हो, माननीय मुख्यमंत्री मंचासीन हो चुके हैं, कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। सदर सांसद श्री रविशंकर जी हम लोगों के बीच आ चुके हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। बंधुगण, जब मान कि तब भी एक अच्छी राशि उपलब्ध कराया जिसके बलबूते पर विकास की आधारशिला रखी गई और हाल बड़ा अधिवक्ताओं का आज यह दिन शायद बात के इतिहास का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कृतज्ञ हैं। नगर विधायक ग्रामीण श्री विपिन सिंह भी मंच उतार चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। बार एसोसिएशन के अनुरोध एवं हम लोगों के अध्यक्ष एवं महामंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को भेंट किया जा रहा, ताली से स्वागत करें। अनुरोध करूंगा स्मृति माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित करें।
पीछे की गैलरी आप सबसे अनुरोध है लेकर के आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने दीप प्रज्वलित कर और भारत माता के पवित्र चित्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन आपके गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हम सबके आप सबके परम सम्मानित परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों से आज के इस विराट भव्य शिलान्यास समारोह का लाख रुपए दिया था हाल बनवाने के लिए उस समय जब हमारी लोकसभा भंग हो गई थी, यह दरिया दिल्ली उपपत्ति में दिखाया था उस समय। आज भी यह संजोग है, आज ताप त्रिपाठी इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और तत्कालीन सांसद आज मुख्यमंत्री के रूप में हम सबके बीच में विराजमान है, हम लोगों के गौरव का विषय है। निश्चित रूप से ऐसे अवसर संभवतः बहुत कम आए हैं कि हमको निराश होना पड़ा होगा, लेकिन आज में और अन्य शिलान्यासों में एक बड़ा विराट अंतर है। मैं खुले मंच से कहना चाहता हूं कि परम पूज्य माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बुला करके फरवरी का माह था और हमसे कहा कि त्रिपाठी जी आप डीएम साहब से मिल करके वो भिजवाइए एस्टीमेट, मैं चैंबर्स के लिए जो है धन देता हूं। इस तरह से बुला करके और कह करके उन्होंने धन देने का जो कार्य किया है, ये निश्चित रूप से हमारे इतिहास के लिए एक गौरवशाली क्षण है। हम अपने कार्यक्रम में अपने इस माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मित्रगण, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, मैं अपने आदरणीय जनप्रतिनिधियों और आपके बीच में बाधा बन के ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहता, लेकिन यह हमारी पारंपरिक दायित्व है जिसका मैं निर्वाह संचालक महोदय के आदेश पर कर रहा हूं। मित्रगण, उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा पर जरा सा एक मिनट निरपेक्ष भाव से विचार कर लें। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, चाहे माफियाओं का साम्राज्य रहा हो और उनके एक एक दुर्ग कैसे कैसे ठह रहे हैं, यह सब आपके निगाहों के सामने है, मुझे कुछ कहना नहीं। प्रदेश के हर जिले में जन स्वास्थ्य की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का जो गुरुतर दायित्व हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने उठाया है, वो इतिहास में, भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। लोगों को दवाई नहीं मिलती, चिकित्सा नहीं मिलती, चिकित्सा और दवा के अभाव में आम आदमी पीड़ित होता है, परेशान होता है, लेकिन इस पीड़ा को जिसने अपने मन के अंतर से समझने का प्रयास किया वो व्यक्तित्व है योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने इसके लिए जो है सिर्फ पीड़ा देखा ही नहीं, सिर्फ समझा ही नहीं, उसके निराकरण के लिए धरातल पर कार्य योजना लेकर ले आ करके और हर जनपद में एक आयुष विश्वविद्यालय के स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आपकी सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान हेतु सतत प्रयत्नशील है। एक मजदूर से लेकर छोटे व्यापारी, कर्मचारी, शिक्षक, किसान आदि जो भी समूह हैं, ये सभी सरकारी आर्थिक सुरक्षा की छतरी के नीचे अपने आप को महफूज महसूस कर रहे हैं। एक वर्ग के रूप में अधिवक्ता समुदाय सरकारी आर्थिक सुरक्षा से वंचित है, ऐसे में आज संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय आपकी तरफ आपके इतिहास को देखते हुए आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि आप अधिवक्ता हितों की लड़ाई में सदैव अग्रगणी रहे। अभी अभी आपने अधिवक्तागण के बैठने की उत्तम व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता चैंबर्स निर्माण का मार्ग प्रशस्त करते हुए विपुल धनराशि जारी किया है, जिसके लिए संपूर्ण अधिवक्ता समुदाय आपके प्रति श्रद्धा उन्नत है। हमें आशा एवं विश्वास है
कि आपकी संवेदनशीलता अधिवक्ता हितों को संरक्षण प्रदान करेगी। अस्त जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर अधिवक्ता हित में श्रीमान का ध्यान निम्नांकित मांगों की तरफ आकृष्ट कराते हुए इसे क्रियान्वित करने की याचना। नंबर एक, यह कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति की परिपक्वता धनराशि 10,00,000 रुपए किया जाए। ज्ञात हो कि इस योजना के सदस्य अधिवक्तागण के वार्षिक अंशदान को 5 वर्ष तक के अधिवक्तागण 50 रुपए से बढ़ाकर 100 कर दिया गया। 5 से 10 वर्ष के अधिवक्तागण के वार्षिक अंशदान 100 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया। 10 वर्ष से अधिक के अधिवक्तागण का वार्षिक अंशदान 250 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया। अधिवक्ता कल्याण निधि का कूपन पहले 5 रुपए का लगता था, उसे बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया गया। इस योजना की आजीवन सदस्यता अंशदान 3100 रुपए की जगह पर 5100 रुपए कर दिया गया, किंतु परिपक्वता धनराशि हाय रे विपाक, जो 1989 में 25 वर्ष के बाद 1,25,000 व 30 वर्ष के बाद 1,50,000 रुपए नियत थी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वह आज भी उतना ही है, जबकि रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और आज से 25 वर्ष बाद 1,25,000 रुपए का कोई महत्व नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कल्याण निधि की परिपक्वता धनराशि को मांग के अनुरूप बढ़ाया जाना उचित एवं न्याय संगत है। यह कि बुजुर्ग अधिवक्ताओं को कम से कम 10,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। यह कि नए अधिवक्ताओं को कम से कम 5 वर्ष तक 5,000 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड दिए जाने की व्यवस्था की जाए। यह कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत अधिवक्ता समुदाय को भी पात्रता की श्रेणी में रखा जाए। यह कि COVID-19 कोरोना से संक्रमित अधिवक्ताओं को उचित सहायता धनराशि उपलब्ध कराया जाए। यह कि स्वतंत्र राजस्व न्यायालयों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया जाए। यह कि अधिवक्ता गण को भी सस्ते दर पर आवास हेतु भूखंड उपलब्ध कराया जाए तथा आवास निर्माण हेतु सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अतः अनुरोध है कि अधिवक्ता हित की उपरोक्त मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए इसे क्रियान्वित करने का कष्ट करें। अधिवक्ता समुदाय आजीवन आपका आभारी है। बोला है सहजनवा का ही मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। में 48 डिग्री ये कुल आंख जो हमारे अगल बगल खड़ा बाय कुल आंख में बहुत आशीर्वाद रहे। लड़का के जिताई छे लड़का के को मौका दे के चाहे कहे कि खांटी लड़का बाय और परम पूज्य महाराज जी एगो सांसद के रूप में जन गोरखपुर के दूर दृष्टि एकर दशा और दिशा बदले में हम अभी बैठे बैठे सोचत रहे कि कितना लड़ाई लड़े ये सपा और बसपा की सरकार में, कितना जूझना पड़ा, कितना आंदोलन करना पड़ा, तब जाके आज ये गोरखपुर आज हिंदुस्तान के पटल पर दिखाई दे रहा है। कितना सपना सजोए थे महाराज जी कि मेरा उत्तर प्रदेश ऐसा होगा, शुरुआत मेरे घर से होगी, मेरा गोरखपुर ऐसा होगा, गोरखपुर में ये जो इसको ईस्टर्न शिकागो कहा जाता था, एक वक्त गैंग वॉर्स के नाम से जाना जाता था, बाहुबली कांप जाते थे लोग, कहते थे मुंबई से शूटिंग में जब हम यार 2004 में की गोली मार दिया हो तो जय बाजो, वो भय उस भय का नाश करना और विकास को उठाना, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पथ पर इस देश को ले जाना और इस उत्तर प्रदेश को ले जाना, ये बल चाहिए एक निस्वार्थ त्यागी कर सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए, ना उनके गाड़ी चाहिए, ना 4 फुट फॉर्च्यूनर चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना फार्म हाउस चाहिए,
ना बाल बच्चा के कोनो रेकमेंड करे के बाद क्या चाहिए इन लोगों को? कुछ नहीं चाहिए मोदी जी और योगी जी को, ये सोचना बहुत जरूरी है। तब इस देश का विकास होगा, तब भारत एक सुपर पावर बनेगा। भारत ऐसे नहीं बनेगा, जब आप तिरंगे को प्रेम करोगे तब भारत बनेगा, मां धरती को प्रेम करोगे तब भारत बनेगा, अपनी संस्कृति को प्रेम करोगे, अपने हिंदुत्व को प्रेम करोगे। हम लोगों ने नहीं किया प्रेम अपने हिंदुत्व को तब मुगल घुसे, नहीं किया प्रेम तब अंग्रेज घुसे। नहीं माने हम लोग अपने आप को, अपनी एकता को, मुट्ठी भर कलकत्ता में अंग्रेज घुसे थे, पत्थर पत्थर मार के हम लोग भगा सकते थे 2000 रहना, लेकिन घुस गए क्योंकि हम सब अलग थे, विचार अलग थे। नहीं हो उनकर हो तो हम काहे में पड़ी, नहीं हो हमार तो बढ़िया बा, हमारे मकान हम बचौले बचौले है, हमार जमीन तो हम बचौले है। नहीं, इस देश को एकता चाहिए, इस देश को मोदी जी चाहिए, योगी जी चाहिए, तब मेरा देश ये बनेगा। ये कलेक्टर का भवन बन रहा है, हम बहुत बम बम हैं, बहुत प्रसन्न हैं। एक छोटी सी चीज है, आज हम डीएम साहब के साथ सवेरे खड़े थे, हम बोले सुना हो कोई बोलना बोला हम बोले जब हम निकला चुनाव आई भाई, किस के कपारे चुनाव चढ़ेगा तो गिनवाए में हम ही लोगन के पसीना छूट जाए, कितना काम गिनवाएंगे। हमारे माननीय विधायक जी लोग का जीवन ऐसे ही बम बम कर दिए, ये लोग खाली काम याद कर ले, माननीय विधायक जी लोग खाली काम इन लोगों को गिनवाना है, ये काम से लेके वो काम, सीवर लाइन से लेके सड़क का जाल, फिल्म सिटी से लेके रामगढ़ झील का तार, फर्टिलाइजर से लेके चीनी कारखाना से लेके एम्स। कभी किसी ने सोचा था? आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग यहां बैठे हैं, एम्स कभी किसी ने सोचा था? चीनी कारखाने शुरू होंगे, फर्टिलाइजर होगा, सड़कों का जाल होगा। 12,000 रुपया स्क्वायर फीट गोरखपुर का भाव चल रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है, यहाँ हमको नहीं मिल रहा घर बनाने के लिए, भोजत है कब से आप लोग को खबर होगा जमीन नहीं मिल रहा, महाराज जी के का कह देना हो। बस यह बोला, बहुत सोचने वाली बात है। एक रही है, हम लोग बड़े धन, हम लोग का भाग्य बहुत बड़ा है, 2014 में मोदी जी मिल गए, ये तो हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। हम लोग को बर्बाद करने की बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग को पूज्य योगी महाराज एक मुख्यमंत्री की तरह मिले, और 2017 और 2020 मात्र 3 साल में पूरा काया पलट दिए उत्तर प्रदेश का। एक नंबर मुख्यमंत्री में नाम चलता है पूरे देश में इनका, कार्य से लेके सच्चाई से लेके कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। गोरखपुर कलेक्ट्रेट परिसर और सदर तहसील के अधिवक्ता चैंबर्स के भूमि पूजन कार्यक्रम के इस समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, हमारे विधायकगण गोरखपुर नगर से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अमिताभ त्रिपाठी अटल जी, महामंत्री श्री रमाशंकर राम त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिला अधिवक्ता एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री रजनीकांत मिश्र जी, संजय जी, सुरेंद्र सिंह जी, अरविंद त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, अमरीश कुमार राय जी, ब्रजेश पांडे जी, श्रीमती अनुराधा तिवारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी,
महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, गोरखपुर के मंडलायुक्त, गोरखपुर के जिलाधिकारी, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिलाधिवक्ता एसोसिएशन, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन तथा विभिन्न जो तहसील हैं उनसे जुड़े हुए जो एसोसिएशन हैं उनके भी तमाम पदाधिकारी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, उनके सभी पदाधिकारीगण और गोरखपुर के सभी वरिष्ठ अधिवक्तागण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरा आज का जो कार्यक्रम है ये केवल इस समय केवल अधिवक्ता समुदाय के लिए है, इसलिए मैं आपके उस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं कि गोरखपुर कलेक्ट्रेट में और सदर तहसील के अधिवक्ताओं के लिए अच्छे सुविधायुक्त चैंबर्स का निर्माण यहां पर होगा। गोरखपुर कलेक्ट्रेट से इसकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर हर एक कलेक्ट्रेट में, हर एक तहसील में, हर एक सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन में हम ऐसे ही अच्छे चैंबर्स अधिवक्ताओं के लिए बना सकेंगे, जिसके लिए इसका शुभारंभ यहां से किया जा रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम विभागीय कार्यालयों को एक जगह लेकर के जाएं और हम गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मंडल के जितने भी कार्यालय होंगे वह एकीकृत भवन में हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे लगता है इसका सबसे अधिक लाभ या तो जनता को होगा या अधिवक्ता भाइयों बहनों को होगा, क्योंकि उनको अब अपने वाचकारी के कार्य के लिए 10 कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा बल्कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही जगह में उनको सारी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। इस दृष्टि यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम गोरखपुर से करने जा रहे हैं। गोरखपुर के मंडल से जुड़े हुए पहले चरण में सभी कार्यालय एक भवन में हम लोग लेके आने जा रहे हैं, उसके निर्माण कार्य की स्वीकृति हम लोगों ने दे दी है और उसके साथ ही हम लोगों ने यह भी कहा है जहां पे कोर्ट का भवन बने, जहां पर मंडल के सभी कार्यालय बने या मंडलायुक्त तो से जुड़ी हुई जो कमिश्नर्स कमिश्नर का कार्यालय बने तो वहां पर उनके बार एसोसिएशन के लिए भी, जितने भी उनके स्वयं के कार्यालय के लिए भी और अधिवक्ताओं के चैंबर्स के लिए भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों जब एक साथ मिलकर के चलेंगे तब हम वादकारी के हितों को संरक्षित कर पाएंगे। और इससे इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं जानता हूं पिछले 10 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से हर व्यक्ति त्रस्त है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इससे पस्त हो गई। आप मीडिया को देखते होंगे, अमेरिका के अंदर जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है वहां की स्थिति कितनी खराब है और वहां पर जनजीवन को उसने कैसे प्रभावित किया। ब्रिटेन जिसने टीका की शुरुआत की, वहां पर फिर से नए स्ट्रेन ने फिर से वहां पर एक नई समस्या खड़ी की है, फिर से लोग लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ जिस एक अभियान को हम लोगों ने मार्च 2020 में प्रारंभ किया था, आज जब हम 21 की शुरुआत में है तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है, एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर
हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। अधिवक्ताओं के चैम्बर्स और हॉल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर 9,08,48,000 रुपए की राशि जारी किया है, जो आरईडी की तरफ से बनना है, कार्यदायी संस्था वही है। और इसमें दो जगह हमारे पुराने टूटे फूटे जर्जर मुख्तार खाने थे, उनको तोड़ करके और बहुमंजिली इमारत उस पर बननी है अधिवक्ताओं के बैठने के लिए, उनकी सुविधा के लिए। और इसके लिए मैं शासन के प्रति बहुत ही अपना हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। अब देखिए, निर्माण कार्य 15 जनवरी के बाद किसी भी दिन शुरू हो सकता है, और जब शुरू हो जाएगा तो जानते हैं 2-4, 6 महीने, 8 महीने तो लगेंगे ही। मैं कोई टेक्नीशियन इंजीनियर नहीं हूँ, बता दूँ कितने दिन में बनेगा, लेकिन धन है, कार्यदायी संस्था है, निर्माण हो गया। लगातार अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। जी जी, कितना राहत मिलेगा आपसे मैं बताऊँ, संख्या निरंतर बढ़ रही है, यह सही है। शासन भी अब सचेत है, पहले नहीं था। आपकी जो भी आयु हो, आप अगर देखे हो नहीं तो अपने पूर्वजों से पूछिएगा, यहाँ झोपड़ियों में लोग रहते थे, बिना झोपड़ी के पेड़ के नीचे हम लोग वकालत हमारे मैंने पहले वाली पीढ़ी करती थी। आज सब लोग छाए में हैं, शेड में हैं, कल को वो चैम्बर्स बन रहे हैं। और अगर मैं तो समझता हूँ, योगी जी की सरकार अगर कंटिन्यू कर गई तो अधिवक्ता बाहर झोपड़ी में पेड़ के नीचे नहीं रहेगा, उसे निश्चित रूप से सुव्यवस्थित शेल्टर मिलेगा। हाँ, अन्य समस्याओं पर भी चर्चा हुई, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस पर हम देख करके और समुचित कार्रवाई करेंगे और आपको सूचना दी जाएगी।